हमने ये ग्राफ बनाया था आई वर्सेस वी का, ये ऐसा आया था, ये जो एसिम्प्टोटिक वैल्यू है वो हमारी क्या कहलाती है, सैचुरेशन करंट। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो हम समझ गए क्या होता है ना, अगर हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल कर दिया नेगेटिव दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है नेगेटिव है ना, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल कर दिया तो करंट रुक गया। अब धीरे धीरे बढ़ाते हैं तो क्या होता है, करंट बढ़ता जाता है ना, पोटेंशियल बढ़ाते हैं। अब हम मान लो पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं ना, पॉजिटिव पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, ऐसा था ना अपना कलेक्टर एमिटर। अब मान लो वापस पॉजिटिव कर दी प्लेट और इसका पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं पॉजिटिव में, तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंचते जा रहे हैं है ना, तो तुम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हो। अब एक पॉइंट ऐसा आएगा उसके बाद तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, मतलब एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं, इंडीड जो इलेक्ट्रॉन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ निकला था वो भी यहां तक पहुंच जाएगा। सोचो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कौन सा है, जिसकी जीरो होगी, जो जस्ट जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकला होगा, अगर वो भी अपोजिट प्लेट तक पहुंच जाए, अगर वो भी अपोजिट प्लेट तक पहुंच गया, मतलब अब तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पहुंच जा रहे हैं, समझ में आ रहा है क्या? तो अब इसके बाद तुम पोटेंशियल कितना भी बढ़ा लो, इसका इस प्लेट का पोटेंशियल अब कितना भी बढ़ा लो, भाई जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं सारे के सारे पहुंचते तो जा रहे हैं, और भाई इलेक्ट्रॉन्स का ही फ्लो तो करंट है। अब तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, करंट नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आई क्या? देखो पोटेंशियल बढ़ाओगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। अरे भाई ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आती है, तो पता होगा ऐसे ही, मतलब भाई नहीं करोगे आप? चलो ठीक है, देखो यहाँ पे तो देखो यहाँ पे देख लो, देखो फ्लो में निकल जाएगा, फिर मैं जो बता रहा हूँ भाई, देखो फ्लो में आता है फिर निकल जाता है, पता भी नहीं चलेगा मैं क्या बोल रहा था, मुझे याद भी नहीं क्या बोल रहा था। हो गया चलो, सैचुरेशन करंट हो गया, अगला टॉपिक लिख लो मेरा। नहीं आप कह रहे हैं देखो, तो पोटेंशियल बढ़ाने से देखो क्या क्या होता है, पोटेंशियल बढ़ाएंगे देखो, ये पॉजिटिव प्लेट है ऑब्वियसली ना, ये नेगेटिव है तुम्हारी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, नेगेटिव चार्ज पे फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ रही है, पर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पे वो इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो पोटेंशियल बढ़ाने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लग रहा है वो बढ़ेगा, फोर्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा, अरे ये फैकल्टी हमें, एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचता है वो कम हो जाएगा, अगर इसका एक्सेलरेशन ज्यादा हो गया, हो सकता है पहले मान लो एक माइक्रो सेकंड में पहुंचा था, अब एक नैनो सेकंड में पहुंच जाएगा, तो टाइम टू रीच कलेक्टर प्लेट वो कम हो जाएगा, पर करंट कांस्टेंट रहेगा, करंट नहीं बढ़ेगा भाई, चार्ज जल्दी पहुंच रहा है पर पहुंच तो उतना ही रहा है। तो एक बार सैचुरेशन करंट अटेन कर लिया ना, आफ्टर अटेनिंग सैचुरेशन करंट, देखो जब तक सैचुरेशन करंट नहीं आया था तो पोटेंशियल बढ़ाने पे करंट बढ़ रहा है, पर एक बार सैचुरेशन करंट आ गया उसके बाद तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ा लो, उसके बाद पोटेंशियल बढ़ाने से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, फोर्स बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, टाइम पहुंचने का कम हो रहा है, समझ में आ रहा है? अगर पहले एक सेकंड में पहुंच जाता, अब आधे सेकंड में पहुंच जाएगा और क्या होगा, टाइम कम का पहुंच तो उतना ही चार्ज रहा है, समझ में आ रहा है? तो करंट चेंज नहीं होगा, तो करंट अब कांस्टेंट है, कि अब तुम कितना भी पोटेंशियल बढ़ाना है बढ़ा लो, पर सैचुरेशन करंट कांस्टेंट रहेगा। तो हाँ बिल्कुल, देखो क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे थे अगर सारे के सारे ऑलरेडी पहुंच गए तो अब करंट बढ़ा के भी तुम क्या कर लोगे। देखो when all the emitted electrons are able to reach the collector plate, current attains its maximum value and is called saturation current. तो देखो अपन ने लगभग फोटोइलेक्ट्रिकल लगभग सब कुछ पढ़ लिया है ना, ये इतने पैरामीटर्स होते हैं वो सारे हम समझ गए, पर हमको ये देखना है कि आखिर कौन सी चीज किस पे डिपेंड करती है, ये हमको क्लियर होना चाहिए। जैसे मैं पूछूं क्या सेचुरेशन करंट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है फोटोन की, या फिर इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है, या फिर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रही है, या फिर फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो ये सारी चीज़ हमको क्लियर होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है, ठीक है क्या?